देश में तेजी से बढ़ती महंगाई को लेकर राजद ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बुधवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एनडीए सरकार में महंगाई बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बताया कि 18 जुलाई को सभी प्रखंड और 19 जुलाई को बिहार के सभी जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और राज्य सरकार मिलकर के गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस की कीमतें जो हैं लगातार आसमान छूती जा रही हैं और इस कमर तोड़ महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन जो है वो मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है, बैठक की है कि आने वाले जो 18 तारीख को सभी बिहार के सभी प्रखंडों में इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और आने वाले 19 तारीख को हर जिला मुख्यालय में सभी हमारे साथी मिलकर के इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। यही मौजूदा सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार जो है, सत्ता में आने से पहले कहा करती थी कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे। आज देख लीजिए हर एक चीज़ों की कीमतें जो हैं बढ़ती जा रही है, लोग जो हैं त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी लोगों का जो है मुश्किल से जो है लोग घर चला पा रहे हैं, कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई दुकानें ठप पड़ गई हैं और ऐसे दौर में जहाँ कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल जो डॉलर होता है वो सस्ता है और लगातार जो है कीमतें पेट्रोल के हों, डीजल के हों, वो बढ़ाया जा रहा है। आप सब लोगों को पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर एक चीज़ों का कीमत जो है वो स्वाभाविक रूप से वो बढ़ता जा रहा है। ये जो लोग अच्छे दिन ला रहे थे, लोगों के बुरे दिन लाने का काम किया है इन लोगों ने। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और ऐसे दौर में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जनता की आवाज़ को बल देने का काम करेंगे और हर एक जगह इनकी आवाज़ों को उठाने का काम करेंगे। और हम लोगों की मांग भी रहेगी कि सरकार जो है जल्द से जल्द पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी गैस के दामों का या खाद के दामों का, कीमतें जो आसमान छूती जा रही है, किसान परेशान है, तबाह हो चुका है, इन सारी कीमतों का जो दाम जो है